तो अवेंजर्स, इस बार तुम लोग नहीं, सिर्फ मैं ये मशीन को ट्राई करूंगा। ये मैंने मशीन को थोड़े छोटे मात्रा में बनाई है। पिछले बार वो मशीन के साथ गड़बड़ होने की वजह से हम लोग सब लोग एक अंडे में कैद हो गए थे, बट इस बार नहीं होने वाला है। इस बार मुझे गोल्डन कवच मिल के ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए मैंने ये छोटा सा मशीन बनाया है। ये मशीन 101% काम करेगा। आइला सर जी, आपने ये वाली बात पिछले बार भी कही थी, लेकिन हम लोग फंस गए थे। इस बार ध्यान से, आप मत फंस जाइएगा। चिंता क्यों करते हो, इस बार ये मेरे ऊपर होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। चलो चालू कर दो मशीन को। जारविस, मशीन को चालू किया जाए। देखो फाइनली ये मशीन चालू हो चुका है। अब लगता है मुझे एक नया पावर मिल ही जाएगा। वाओ, क्या ही फील आ रहा है मुझे। अरे गाइस यार, मैंने फाइनली यार महिंद्रा की थार परचेस कर ली है। चलो एक काम करता हूँ, अवेंजर्स लोग को दिखाता हूँ। एक सुन गाइस यार, ये क्या चल रहा है? और भाई साहब, मैंने गलती से किसके ऊपर ठोक दिया? फ्रैंकलिन बबूचा कहीं के, तुम अपनी गाड़ी ये मशीन के ऊपर ठोक दिए। अब ये मशीन में पता नहीं किस तरीके का चिंगारी निकल रहा है। अरे ओए आयरन मैन, तुम ठीक तो ना? ओ नो गाइस यार, ये पता नहीं ये मशीन से पता नहीं किस तरीके का चिंगारी और पता नहीं कैसे इलेक्ट्रिक शॉक निकल रहा है। और आयरन मैन, तुम्हें ये हो क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन क्या कर दिए, मतलब आते के साथ ही कांड कर दिए। आयरन मैन सर जी, पता नहीं अब आपका क्या हाल होगा, ये मशीन में तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे गाइस यार, मुझे लगता है आयरन मैन को बहुत ही तकलीफ होगा। सबसे पहले गाड़ी यहाँ से निकालते हैं और भाई सोचते हैं क्या करना है। ओ नो गाइस यार, मुझे लगता है मेरे वजह से लगता है बहुत बड़ा कांड हो चुका है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और भाई एक काम करते हैं, आग बुझाते हैं। आग तो लगी नहीं है, बट शायद यार इससे भाई काम बन जाए। चलो यार बुझ जा, ये सब चीज खत्म हो जाए। भाई जो चिंगारी निकल रही है वो सब बंद हो जाए। भाई देखा, इसमें से आग निकलना और चिंगारी निकलना बंद हो चुका है। फाइनली आयरन मैन, तुम सही हो गए? नहीं, तुम सही नहीं हुए। ये क्या आयरन मैन, तुम तो पूरे तरीके से गाड़ी में कन्वर्ट हो गए। भाई ये क्या हो गया आयरन मैन को? भाई तुम्हारे चेहरे में चक्के कैसे आ गए? तुम्हारा आधा शरीर जमीन के नीचे चला गया क्या? बबूचक फ्रैंकलिन गई के, तुम्हारे चक्कर में देखो मैं क्या हाल बन गया। मतलब कि देखो मेरा हालत क्या हो चुका है, मैं कार में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अच्छा भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ, माफ कर दो। आई लव फ्रैंकलिन, माफी से काम नहीं चलेगा। जल्दी से आयरन मैन सर जी को ठीक करो। एक सेकंड, मैं कैसे ठीक करूं? मुझे क्या पता ये सब चीज क्या बनता रहता है, ये सब क्या मशीन है, ये सब मुझे क्या पता। आयरन मैन तुम ही बता दो कि तुम पहले जैसे कैसे हो गए। फ्रैंकलिन, वो मशीन में आग लग चुकी है, तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा और वो मशीन को दोबारा से लाना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं वो जगह चला जाऊंगा, बट वो कौन सा जगह है? वो लॉस सैंटोस में नहीं, लॉस सैंटोस के बाहर में है। ओ नो गाइस यार, मतलब कि एक दिन से ज्यादा लग जाएगा मतलब जाने के लिए। वही एक दिन तक आयरन मैन ऐसे ही बना रहेगा। ओ भाई साहब, लेकिन एक सेकंड गाइस यार, मेरे दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है, अगर आयरन मैन के सिर में चक्के लगे हुए तो ये चल भी तो सकता है? क्यों ना गाइस यार, इसे चला के देखें। अरे यार तुम लोग भी चला के देखो, बार बार थोड़ी ना कोई गाड़ी बनता है, खास के आयरन मैन। ओ गाइस यार, ये तो भाई सच में चल भी सकता है। आयरन मैन, मैं तुझे चला भी सकता हूँ। फ्रैंकलिन वापस रख दो मुझे, ऐसे क्यों चला रहे हो? नहीं भाई नहीं, मुझे एक बार तो चला रहने दे। वाह भाई वाह, क्या ही मजा आ गया। गाइस देख रहे हो यार, मैं भाई आयरन मैन को चला पा रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो क्या ही कमाल की बात है। आयरन मैन एक राउंड, बस एक राउंड में मार करके आऊंगा, मतलब कि रोड में एक राउंड चला के आता हूँ। तब तक यार तुम भाई बैठे रहो, मतलब कि कार बने रहना, ठीक है? फ्रैंकलिन कितना एक्सीडेंट कर रहा हूँ, मेरा तो चेहरा ही खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा बाबा जी। भाई देखो तो यार, आयरन मैन का ही मस्त तरीके से चल रहा है। भाई आयरन मैन के जो चक्के लगे हुए ना, उससे भाई यार मैं कहीं भी चल सकता हूँ। आयरन मैन थोड़ा ऑफ रोडिंग भी तो हो जाए। फ्रैंकलिन नहीं, मुझे चोट लग रहा है। फ्रैंकलिन तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, बाप रे बाप। अरे यार कुछ नहीं होता भाई, गाड़ी को थोड़ी ना चोट लगती है। अरे आयरन मैन को तो चोट लगती है ना, मैं आयरन मैन हूँ, वापस मुझे अवेंजर्स हाउस लेके चलो। अच्छा भाई ठीक है यार, भाई ये आयरन मैन ने ऑफ रोडिंग भी करने नहीं देता, बट चलो एक काम करते, इसे घर ही ले चलते हैं। ये क्या है, आयरन मैन की गाड़ी, वो भी आयरन मैन की जैसी? वाओ, मैं हूँ फेक आयरन मैन, और अगर मेरे पास ये वाली गाड़ी आ जाए तो क्या ही मैं फेक थोड़ी ना रियल बन जाऊंगा। ये कितनी कमाल की है, इसे तो मैं चुरा के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। आयरन मैन की गाड़ी, मैं कुछ भी करके तुम्हें चुरा के ही रहूंगा, देख लेना। आज रात में आयरन मैन की ये वाली गाड़ी मैं अपने घर ले जाऊंगा। चलो तो टोनी एक काम करते, तुम्हें जल्दी से घर में लगा देते, मतलब अवेंजर्स हाउस में लगा देते, और मैं चला जाऊंगा भाई वो मशीन को लाने के लिए। बट गाइस यार, मुझे एक दिन लग जाएगा, मतलब कि यार आयरन मैन आज रात भाई तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा, मतलब कि कार बन करके। कल मैं पक्का आ जाऊंगा वो मशीन लेकर के, जिससे भाई तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? फ्रैंकलिन ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, मुझे ठीक होने दो, मैं उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। अरे यार बता देना, बट अभी पहले तू ठीक तो हो जा। चलो यार भाई जो भी कहो, आयरन मैन को चलाने का मजा ही कुछ और था। ओके तो यार मैं जा रहा हूँ फ्लाइट पकड़ करके आयरन मैन के दिए हुए पते में, और भाई इस जैसा मशीन लेके आता हूँ, ठीक है? तुम लोग यार ये आयरन मैन का ख्याल रखना। चलो गाइस यार,
एक काम कर, तो अपनी थार से ही जाता हूँ। ऐसे भी यार अब क्या ही कर सकते, एक दिन तो मोटा मोटी लग ही जाएगा आयरन मैन को ठीक होने में। तब तक एक काम करेंगे, फ्लाइट से दूसरा शहर घूम लेंगे, क्योंकि भाई वहीं पे मुझे जाना है आयरन मैन का वो मशीन लेने के लिए। तो चलो तो गाइजर जल्दी से एयरपोर्ट चलते हैं। चलो गाइजर मैं फाइनली एयरपोर्ट आ गया। एक सेकंड यार, एयरपोर्ट इतना खाली पहली बार, लगता है मुझे फ्लाइट का टिकट जल्दी मिल जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ और भाई फ्लाइट का टिकट लेकर के प्लेन में बैठता हूँ। ओके तो गाइजर फाइनली मैं जगह पे आ चुका हूँ जो आयरन मैन ने पता दिया था। अब मुझे यहाँ पे मशीन लेना है। ओके तो यार जल्दी से मैं मशीन लेता हूँ, उसके बाद यार जल्दी से लॉस सैंटोस जाता हूँ। पता नहीं गाइजर आयरन मैन कैसे यार आज रात सोएगा, क्योंकि यार वो तो कार बना हुआ है। आइले सर जी मैं दिन भर बेसमेंट में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे कल का होमवर्क भी करना है कॉलेज का। ठीक है सर जी मैं जाता हूँ। ओडी बाबा मुझे मैजिक की किताबें पढ़नी है, तो वरना मैं मैजिक भूल जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ आयरन मैन, कल के दिन मिलते हैं। हल्क जा रहा है बर्गर खाने, बर्गर के बिना हल्क को नींद नहीं आएगी। ठीक है हल्क चलता है। आयरन मैन सॉरी बट मुझे भी जाना है अपना फेवरेट बारबी शो देखने के लिए, अगर मैं मिस कर गया तो बारबी गुस्सा हो जाएगी। तो चलो दोस्तों बारबी शो देखने के लिए चलता हूँ मैं। आयरन मैन अपना ख्याल रखना, अगर तुम भी चल सकते तो मैं तुम्हें भी बारबी शो दिखाने चलता। ये लोग कितने मतलबी हैं, मैं गाड़ी बना हुआ हूँ और मुझे छोड़ के चले गए। अरे मेरा कोई केयर तो करो, मुझे कुछ हो गया तो। मैं हूँ फेक आयरन मैन और मैं आया हूँ आयरन मैन की गाड़ी चोरी करने के लिए। तो जल्दी से जाता हूँ, एक सेकंड सब लोग सो ही रहे हैं ना। चलो बढ़िया है, सब लोग अपने रूम में सो रहे हैं। जल्दी से बेसमेंट में जाता हूँ, वो आयरन मैन की गाड़ी को चोरी करता हूँ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ओए आयरन मैन मैं आ चुका हूँ तुम्हारी गाड़ी चोरी करने। ये देखो ये रही आयरन मैन की गाड़ी। अरे ये गाड़ी तो मेरी हो गई, अब तो मैं इसे लेके ही जाऊंगा। चलो जल्दी चलो, ये गाड़ी अब मेरी हुई, इसे मैं जल्दी से चोरी करता हूँ। अरे वो ये गाड़ी तो सच में कमाल की है, चलाने में भी बहुत ही मजा आ रहा है। चलो एक काम करता हूँ, इसे अपने फैक्ट्री ले जाऊंगा, एक एक पुर्जी अलग अलग करके मैं इसे रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा। मजा ही आ जाएगा। ओके तो यार फाइनली मैं आ चुका हूँ। देखो यार मुझे एक खतरनाक सा गन मिला है। ये गन से यार जैसे मैं आयरन मैन का मतलब की आयरन मैन का मॉन्स्टर कार के ऊपर फायर करूंगा, आयरन मैन यार वापस नॉर्मल हो जाएगा और उसे यार सुपर पावर भी मिल जाएगी। चलो एक काम करते जल्दी से भाई आयरन मैन के पास चलते हैं। एक सेकंड मेरी गाड़ी कहाँ गई, अरे वो रही। चलो गाइस यार जल्दी से आयरन मैन के पास जाते हैं। आयरन मैन होप यार अवेंजर्स हाउस में ही हो और जल्दी से मैं उसे ठीक कर पाऊँ। चल मेरी धन्नो मेरी थार, जल्दी से मुझे आयरन मैन के पास पहुँचा दे। चलो गाइस यार आप लोग को भी मैं दिखाता हूँ ये गन से आयरन मैन को मैं कैसे ठीक करता हूँ। चलो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस, अब आयरन मैन को ठीक करने की बारी आ चुकी है। एक सेकंड गाइस यार यहाँ पे तो आयरन मैन हुआ करता था, आयरन मैन का गाड़ी हुआ करता था, आयरन मैन कहाँ गया? और भाई एक सेकंड, भाई स्पाइडरमैन तो इतना रो क्यों रहा है? फ्रैंकलिन सब बर्बाद हो गया, रात के दिन कोई आया और आयरन मैन की गाड़ी को चोरी करके चला गया। एक सेकंड मतलब कि वो आयरन मैन की गाड़ी को नहीं आयरन मैन को चोरी करके चला गया। ओ नो गाइस यार अब क्या होगा, किसी के पास कोई आइडिया है? ओडे बाबा मैं अपनी मैजिक से उसे ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ बट कोई काम नहीं आ रहा। जिसने भी मेरे दोस्त आयरन मैन को चोरी किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन तुम ही कुछ कर सकते हो, प्लीज आयरन मैन को ढूंढ निकालो। अरे भाई कुछ भी कांड होता है लोग मेरे को बोलने लगते हैं। अच्छा भाई ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ भाई मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं आयरन मैन को कैसे ढूंढूं। एक सेकंड जार्विस को तो पता ही होगा। जार्विस क्या तुम मुझे बता सकते हो आयरन मैन कहाँ है? अगर तुम मुझे लोकेशन बता दोगे तो मैं आयरन मैन को लेके आ जाऊंगा। हाँ फ्रैंकलिन ठीक है रुको मैं अभी लोकेशन निकालता हूँ, मिल गया लैबोरेटरी तरफ है। ओके तो गाइस यार जल्दी से मुझे लैबोरेटरी तरफ जाना पड़ेगा, तुम लोग चिंता मत करो मैं आयरन मैन को वापस लेके आऊंगा और जिसने भी चोरी किया होगा ना आयरन मैन की गाड़ी को मैं उसे छोड़ देने वाला। चलो गाइस यार जल्दी से चलता हूँ मैं अपनी ये गाड़ी से। चलो मेरी गाड़ी जल्दी से मुझे आयरन मैन के पास ले चलो। ये मैं कहाँ आ चुका हूँ? ओह नो मैं तो घर में सोया हुआ था, ये कौन सी जगह है? ये मेरी आँख कहाँ खुल रही है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा, मूव क्यों नहीं कर पा रहा? कैसे मूव करोगे, क्योंकि तुम फेक आयरन मैन के कब्जे में आ चुके हैं। अब मैं तुम्हारा हर एक पार्ट तोड़ दूंगा, उसके बाद मैं एक बहुत ही जायंट सा रोबोट बनाऊंगा। ओए फेक आयरन मैन मैं सच का टोनी स्टार्क हूँ, मुझे तोड़ना मत।
चल हट यहाँ से। सच का टोनी स्टार कोई गाड़ी बन सकता है क्या? बड़ाया मुझे बेवकूफ बनाने वाला। आयरन मैन भी ना कैसे कैसे रोबोट बनाता है मजाक करने वाले। चलो एक काम करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरा मशीन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। मेरा मशीन जैसे ही तैयार होता है उसके बाद यार इस कार को रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा। फाइनली ये रहा वो मशीन, अब बस इसको फायर करना है वो कार के ऊपर। उसके बाद भाई ये कार एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगा टुकड़े टुकड़े हो करके। तुम तैयार हो कार? नहीं मुझे मत करना, मैं टोनी हूँ। तुम टोनी नहीं हो, तुम एक मामूली से रोबोट वाले गाड़ी हो। चलो गाइस यार फाइनली मैं आ चुका हूँ और ये देखो वो रहा फेक आयरन मैन। फेक आयरन मैन ये ले। फाइनली यार मैंने फेक आयरन मैन को बेहोश तो कर दिया। चलो इसे मैं छोड़ देने वाला। फेक आयरन मैन को कहाँ छुपा के रखा है? जल्दी बता जल्दी बता। भाई साहब निकल यहाँ से। ये ले कैसा लगा? एक सेकंड गाइस ये देखो ये रहा भाई हमारा आयरन मैन। फ्रैंकलिन थैंक गॉड तुम आ गए, ये तो मुझे टुकड़े टुकड़े करके रोबोट में बनाने वाला था। चिंता क्यों करता है, मैंने भाई वो मशीन ले आया। ये देख ये रहा वो मशीन, अब मैं जैसे तुम्हारे ऊपर वो ये मशीन को फायर करूंगा तुम भाई नॉर्मल हो जाओगे। 1, 2 और 3। वाह फ्रैंकलिन तुमने तो मेरा पावर भी ग्रो कर दिया। अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई तुम्हारा पावर भी इससे अप हो जाएगा। देख रहे हो तुम अपग्रेड हो चुके हो आयरन मैन। शुक्रिया फ्रैंकलिन, ये फेक आयरन मैन को तो मैं छोड़ देने वाला। फेक आयरन मैन ये ले कैसा लगा? मुझे तू तोड़ तोड़ करके रोबोट बनाने वाला था, अब मैं तुझे तोड़ता हूँ। ये ले अब मैं तुझे बताता हूँ ये आयरन मैन कर क्या सकता है। ये ले मार खा, मैं तुझे स्पेस में फेंक दूंगा। ये ले चा। अरे वाह टोनी तुमने तो भाई सच में उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। सो गाइस यार फाइनली टोनी यार गाड़ी से आयरन मैन में बदल चुका और क्या ही खतरनाक तरीके से आयरन मैन में बदला है। इसका सूट तो देखो गाइस यार क्या ही खतरनाक लग रहा है। तो नीचे कमेंट करके बताना कि यार इसका सूट कैसा लगा। और अगर आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।